नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के मध्य का सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा बीतेगा, ये आने वाले 7 दिन किस प्रकार के होंगे, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह का पूरा हाल आपको आने वाले जो कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, इस सप्ताह में पड़ती है या इन तारीखों में पड़ती है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मैं आपकी राशि का राशिफल शुरू करूं उससे पहले मात्र 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। ये 1 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको पता है कि आपकी असली राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है? क्या आपको पता है कि आपका लग्न क्या है? क्या आपको पता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह किस प्रकार के बैठे हैं? क्या आपको पता है कि कौन सा ग्रह शुभ है आपके लिए, कौन सा अशुभ है? कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है, कौन सा रत्न शुभ नहीं है? कौन सी पूजा आपके लिए अच्छी है, कौन सी पूजा आपके लिए अच्छी नहीं है? और आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपका 2022 और 2023 सुरक्षित हो जाए और लाभकारी हो जाए? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी? क्या आप ये जानना चाहते हैं नौकरी अच्छी कब होगी, पढ़ाई लिखाई कैसी चलेगी, विदेश यात्रा कब होगी? ये सब कुछ बताएगी आपकी जन्म कुंडली। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं साल 2022 और साल 2023 की आपकी कुंडली और इन दोनों सालों को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी। तो 799 रुपये में आपको ये कुंडली प्राप्त होगी और इसको प्राप्त करने के लिए आपको L100 लिखकर WhatsApp करना है दिए गए नंबरों पर या फोन करके आप अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। तो 2 साल आपके बेहतरीन बीतेंगे उपायों से और 2 साल में आप बहुत तरक्की कर पाएंगे। और ये जो जन्म कुंडली के पूरे फलादेश होंगे ये 2 साल के होंगे और बाकी जो आपकी जन्म कुंडली है वो आपके पूरे जीवन भर काम आएगी। तो अभी ऑर्डर करें L100 लिखकर मात्र 800 रुपये में 799 में। तो आइए अब शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का आपकी राशि से। कुंभ राशि की बात करते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप अपने मित्रों, भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ सुखद जीवन का आनंद लेंगे। परिवार में खुशहाली होगी, सफलता की बातें होगी, उत्साह होगा, आपके पारिवारिक माहौल में सुधार होगा, रिश्ते बेहतर होंगे, रिश्तेदारों से जो दिल की दूरियां थी वो करीबी में बदलेंगी। सप्ताह का मध्य भाग बढ़िया रहेगा, मानसिक स्थिति प्रसन्नता रहेगी, सेहत के मामलों में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी लेकिन सब कुछ ठीक भी रहेगा। आपके घर में जो टकराव था, जो घर के वाद विवाद थे दूर हो जाएंगे। वाहन संबंधी मामलों में चिंता दूर होगी, घर खरीदने बेचने से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। आप अपने काम पर केंद्रित दिमाग कर पाएंगे, बच्चे पढ़ाई पर केंद्रित दिमाग नहीं कर पाएंगे। चर्चाएं बढ़ेंगी, कुछ गर्मियां बढ़ेंगी, सदगर्मियां बढ़ेंगी, विचारों में गर्मियां होंगी तो छोटे मोटे वाद विवाद भी हो सकते हैं। बच्चों की चिंता दुख का कारण हो सकती है और बच्चों की पढ़ाई दुख का कारण हो सकती है। संतान से जुड़े तनावों से आपको राहत मिलेगी लेकिन पढ़ाई लिखाई में बच्चे कमजोर रहेंगे या कुछ परेशानी आ सकती है। सप्ताह के अंतिम दिनों में संतान से जुड़े हुए जो तकलीफें थी उसमें कुछ राहत मिल जाएगी। शेयर मार्केट में हानि की संभावनाएं बन रही हैं, योजनाएं स्थगित करें, जबरदस्ती की योजनाएं ना बनाएं, जबरदस्ती कहीं कामों में टांग ना हटाएं। हितकारी यही रहेगा कि आप सोच समझ कर काम करें। बेहतर होगा कि बड़ी योजनाओं को शुरू करने से पहले या किसी भी काम का शुरुआत बहुत सोच समझ कर करें क्योंकि गलतियां होने की संभावनाएं इस सप्ताह में ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं। बात करेंगे 8 फरवरी की, तो आज कड़ा संघर्ष का दिन होगा जिसके कारण आप तनाव और थकान ग्रस्त हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आप अपनी हिम्मत से जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य बनाकर रखें। आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है, पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी से संबंध मधुर बने रहेंगे, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, बच्चों की तरफ से खुशियां प्राप्त होंगी।
बात करेंगे 9 फरवरी की। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा, घर में तालमेल रहेगा, वातावरण घर का अच्छा रहेगा, आपको गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप अपना घर या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो फैसला सोच समझ कर कीजिएगा, लाभ के सौदे कहीं हाथ से निकल ना जाए। आपको सभी क्षेत्रों में जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी थोड़े से नटखट हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से जी चुराएंगे बच्चे, और सेहत का भी ध्यान रखिएगा बच्चों की। 10 फरवरी की बात करें, आज का दिन आप तनाव और समस्याओं से मुक्ति पालेंगे। आज का दिन परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। माता पिता से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके संबंध आपकी माता जी से शुभ बने रहेंगे। जमा पूंजी बढ़ने का दिन है, आज पैसा आएगा। नौकरी और व्यापार से नई नौकरी लगने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। 11 फरवरी की बात करेंगे, आप अपनी माताजी का प्यार और आशीर्वाद पाएंगे। घर संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो पिताजी से माताजी से पैसा मिल सकता है। घर की छोटी बड़ी जरूरतों को आप पूरा करने में आज पैसा प्राप्त होगा, या दिल खोल कर पैसा खर्च करेंगे। परिवार वालों की खुशियों को देखते हुए आप पैसा खर्च करेंगे। जीवन साथी से रिश्ते मधुर रहेंगे। घर में कुछ बढ़िया करेंगे, घर का बिल्कुल नवीनीकरण कर देंगे। कुछ चीजें नई आएंगी, कुछ चीजें पुरानी हटाकर उसकी रिप्लेसमेंट होगा, यानी सब कुछ नया नया करने की कोशिश होगी। बात 12 फरवरी की करें तो आज विद्या में सफलता प्राप्ति का दिन है। नौकरी श्रेष्ठ रहेगी और आप अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता उत्साह बना रहेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से लंबी और छोटी यात्रा कर सकते हैं, और खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मान सम्मान पदक जीतने का दिन रहेगा। बात 13 फरवरी की करें तो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम रुचि दिखाएंगे, लेकिन जैसे तैसे पढ़ाई पूरी कर लेंगे। प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। सौभाग्य का दिन है, नई दोस्ती हो सकती है। पुराना रूठा यार या पुराना रूठा प्यार फिर से वापस मिल सकता है। व्यापारी लोग व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो दिन बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा, जोखिम मत लीजिएगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। 14 फरवरी की बात करें, संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में लाभ होगा। विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, परिणाम अच्छा मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका से मिलने जा सकते हैं। व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा। जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे। दिल के हाल एक दूसरे को बता पाएंगे। गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मिलना जुलना बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहेंगे। एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह देते रहेंगे। और देखा ऐसा जा रहा है कि 13 तारीख से ही आपके दिल में प्यार के लड्डू फूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप 2 दिन बस प्यार और काम में ही डूबे रहेंगे, और एक दूसरे को गिफ्ट आदान प्रदान करने के चक्कर में खर्चा भी बढ़ेगा। कुछ लोग उधार भी ले सकते हैं और कुछ लोगों का दिल भी टूटेगा इस 14 फरवरी को। उनको सामने वाले की तरफ से ना सुननी पड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा दिल पर चोट मत लगाइएगा। बाकी आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, अच्छे खर्चे करेंगे, अच्छा पहनेंगे, खाएंगे, और कुछ लोग जो अपने चाहने वाले को परिवार वालों से मिलवा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करिए, सब कुछ शुभ होता चला जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ सरस्वती की भी आराधना कर सकते हैं। गणेश जी की कृपा से समय उत्तम बीतेगा। नौकरी व्यापार के लिए यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया है, और कुछ पारिवारिक मुद्दे उठेंगे और वो इसी सप्ताह में खत्म भी हो जाएंगे और आपको राहत मिल जाएगी। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है। अगर नहीं बेहतर है तो उसको सुधारने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, उसकी जाँच करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं 5 मिनटों में। सफलता सबको नहीं मिलती, सफलता सबको वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन सफलता चाहिए सबको होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, जब तक आपकी जन्म कुंडली आपके पास नहीं होगी तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपको मैं एक ऑफर दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपनी 2022 की जन्म कुंडली बनवाएं और 2022 की जन्म कुंडली में जाने कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके सभी ग्रह मजबूत हो जाए और आप लाभ प्राप्त कर सकें।
2022 के साथ 2023 की कुंडली हम आपको मुफ्त देंगे, ताकि आने वाले 2 साल आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित ज्योतिष के आधार पर। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय साफ साफ लिखकर व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबरों पर, और ये कुंडली आपको ईमेल के द्वारा या आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, और इसको भेजने का शुल्क होगा 799 रुपये। और अगर आप इसको कागज के रूप में चाहते हैं तो ये स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी, जिसका मूल्य होगा 1000 रुपये। आप लोग ऑर्डर करने के लिए L100 लिखकर व्हाट्सएप करें और अपनी 2022 और 2023 की कुंडली प्राप्त करें, और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।